गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने इतिहास में चैप्टर 6 अपने चल रहा था, छठा चैप्टर अपने स्टार्ट किया था और पिछला जो वीडियो था उसमें अपने बात की थी राजा राममोहन राय की, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आज बात करते हैं अपने अगले समाज सुधारक की। तो अगला समाज सुधारक जो है वो है अपने आज स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के अपने अगर भारत में समाज सुधारकों में एक प्रकार से बात करें, अगर अपने किसी समाज की बात करें, तो आर्य समाज जो है वो ब्रह्म समाज के मुकाबले ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, ज़्यादा फेमस जो हुआ था वो कौन सा हुआ था, अपने आर्य समाज ही हुआ था। तो अपने चर्चा करते हैं सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती की। देखो, सबसे पहली बात तो इनका जन्म जो है वो हुआ था 1824 ईस्वी में, एक टंकारा कस्बा है, टंकारा गांव है, जो कहां पे पड़ता है, अपने गुजरात में पड़ता है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। ये अपने जाति से ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म में इनका क्या हुआ था, एक प्रकार से जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो था अंबा शंकर, अंबा शंकर इनके पिता थे। और इनका दयानंद सरस्वती के स्वयं का जो बचपन का नाम था या मूल नाम जो था वो क्या था, मूल शंकर था। यहां तक अपने क्लियर है। अब अपने बात करते हैं आगे। देखो, जन्म की अपने बात हो गई, इनका जन्म हो रहा है गुजरात में, और पिछले वीडियो में अपने बात की थी राजा राममोहन राय की, उनका जन्म हुआ था बंगाल के राधानगर में, इनका 1824 में, उनका 1776 में। क्लियर है। अब बात करते हैं इनके गुरु की। देखो, इनके दो गुरु ही हैं, फर्तम गुरु थे अपने दांडी के स्वामी पूर्णानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनके दो गुरु ही हैं। पहले गुरु का नाम था अपने दांडी के, थे कौन थे, अपने स्वामी पूर्णानंद। देखो, इन्हीं स्वामी पूर्णानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती को संन्यास की दीक्षा दी, और इन्होंने ही इनका नाम मूल शंकर से हटाकर क्या रख दिया, दयानंद सरस्वती रख दिया। देखो, ध्यान रखना, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती नाम किस गुरु ने दिया था। दो गुरु है, पहले गुरु कौन है, दांडी के थे स्वामी पूर्णानंद, और दूसरे जो इनके गुरु थे उनका नाम था अपने विरजानंद। दूसरे गुरु कौन है, विरजानंद। देखो, इन विरजानंद से स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, वेदों की शिक्षा प्राप्त की, और इन्हीं विरजानंद के मार्ग पर चलते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटों का नारा भी दिया। कौन सा नारा, वेदों की ओर लौटों, यह नारा भी किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था, स्वामी पूर्णानंद ने, और वेदों की ओर लौटो या वेदों का ज्ञान जो है वो किसने दिया था, विरजानंद ने दिया था। हालांकि इनके पिता अंबर शंकर से भी इनको वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन मेन जो ज्ञान है वेदों की, जो मूल जानकारी है वेदों का, जो अध्ययन है, वो किनके सानिध्य में हुआ था, विरजानंद के सानिध्य में हुआ। इनके काल की प्रमुख घटना है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और यह कब की थी, 1875 में बंबई में की थी, और इसी की एक शाखा 1877 में कहां पर स्थापित की, लाहौर में स्थापित की। अब देखो, यहां पे क्वेश्चन ये आता है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आर्य समाज की स्थापना कब, 1875 में बंबई में। पिछले वीडियो में बात की थी अपने कौन से समाज की, ब्रह्म समाज की, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1828 में, और इसकी कब है, 1875 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्य समाज की स्थापना क्यों की। तो देखो, आर्य समाज की स्थापना करने के कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य अपने कह सकते हैं कि भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधने के लिए। दूसरा अपने कह सकते हैं कि जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, जिसका प्रचलन अभी वर्तमान समय में अपने जोरों पर है, उस पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए।
तीसरा आपने कह सकते हैं कि वेदों के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए कौन से समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। यह है इनके काल की प्रमुख घटनाएं। एक क्वेश्चन इनकी पुस्तक के ऊपर पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश, देखो काफी मोस्ट ध्यान रखना इसको, सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इसमें देखो ये ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ है कि इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा था, हिंदी भाषा में लिखा था। बंगाल के थे केशव चंद्र सेन, उनकी प्रेरणा से इस पुस्तक का प्रकाशन कौन सी भाषा में किया, हिंदी भाषा में किया। पिछले फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो अपने अजमेर से हुआ था। क्लियर है इतनी बातें, आगे चर्चा चलते हैं अपनी। अब देखो अपने बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की अंतिम समय की। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो अपने राजस्थान में भी आए थे, इनका अंतिम समय, इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई उसकी अपने चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान से भी इनका गहरा संबंध था। ये सबसे पहली बार 1865 ईस्वी में राजस्थान आए थे, और कहाँ पर आए थे, करौली में आए थे। कब, 1865 में। दूसरी बार ये राजस्थान में आए थे अपने उदयपुर में, और तीसरी बार राजस्थान आए थे ये अपने जोधपुर में। जोधपुर का शासक था उस समय जसवंत सिंह। देखो इसी जसवंत सिंह के दरबार में एक नाचने गाने वाली थी, एक वेश्या थी, एक गणिका थी, जिसका नाम था नन्ही ज्ञान। नन्ही ज्ञान नामक एक वेश्या किसके दरबार में थी, जसवंत सिंह के दरबार में थी। और ऐसा कहते हैं कि जसवंत सिंह जो है वो इस वेश्या से काफी प्रेम करते थे, काफी लगाव करते थे। जब इस बात का पता दयानंद सरस्वती को चला, तो दयानंद सरस्वती ने ऐसा कहते हैं कि जसवंत सिंह को एक प्रकार से डांट लगाई, उनको लताड़ा, उनको डांटा, फटकारा, कुछ भी मान लो अपने। इससे नाराज कौन हो गई, नन्ही जान नामक वेश्या नाराज हो गई, और इसने क्या किया, स्वामी दयानंद सरस्वती को खाने में क्या दे दिया, जहर दे दिया। और उसी जहर से, देखो जहर कहां पर दिया था, ध्यान रखना, जहर दिया था इनको जोधपुर में। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, अक्टूबर 1883 में अजमेर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जहर जोधपुर में दिया था नन्ही जान ने। जैसे ही दयानंद सरस्वती ने खाना खाया, इनको एहसास हो गया कि मेरे को खाने में क्या दिया गया है, जहर दिया गया है। और ये साजिश किसकी थी, नन्ही जान की थी। जोधपुर में इनको जहर दिया गया, और अक्टूबर 1883 में अजमेर में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। अब बात करते हैं इनका मेन योगदान, सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया, आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान था, अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था। यहीं से अपने मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो देखो दो तीन क्वेश्चन तो ये हो गए अपने, इनके गुरु कौन थे, पहला गुरु कौन सा था, दूसरा कौन सा था, दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया, राजस्थान में पहली बार कब आए, अंतिम बार कब आए, कहाँ पर आए, वेदों का ज्ञान किसने दिया, ठीक है। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख सुधार, सुधारों में सबसे पहले बात करते हैं इनके सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, देखो सामाजिक सुधारों में अपने बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने भी अपने राजा राममोहन राय की तरह बाल विवाह है, बहुविवाह है, पर्दा फरता, दहेज फरता जैसी समाज में फैली हुई बुराइयां थी, इनका क्या किया, विरोध किया। इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था को जन्म के बजाय किसके ऊपर करने पर बल दिया, कर्म के ऊपर बल दिया। इन्होंने कहा कि जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शुद्ध नहीं होता। इन्होंने कहा कि जन्म के स्थान पे इस वर्ण व्यवस्था को किस आधार पे किया जाए, कर्म के आधार पे किया जाए, व्यक्ति के कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होना चाहिए। इन्होंने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का क्या किया था, समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि एक औरत जो विधवा हो जाती है उसका पुनर्विवाह किया जाए। इन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर भी बल दिया गया। इन्होंने कहा कि स्त्रियों को अधिक से अधिक पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने शूद्र और महिलाएं जो थी इनको वेदों का अध्ययन करने की भी वकालत की। इन्होंने कहा कि शूद्र और महिलाएं जो है इनको भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि वो वेदों का अध्ययन जो है वो यज्ञोपवीत पहनकर कर सकते हैं। इस प्रकार की बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी। देखो अपने वैदिक सभ्यता है, उस वैदिक सभ्यता के दौरान अपने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन्हीं को अपने
वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था, महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन दयानंद सरस्वती ने कहा कि शूद्र और महिलाओं को भी यज्ञोपवीत पहनकर वेदों का अध्ययन करने का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार के सामाजिक सुधार किसके द्वारा किए गए? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किए गए। दूसरे आते हैं अपने स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार। देखो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं राजनीतिक विचारों में। सबसे पहली बात अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने 400 पर बल दिया। 400 का मतलब 100 राज्य, 100 देशी, 100 भाषा और 100 धर्म। इन 400 पर बल दिया। और देखो बाल गंगाधर तिलक ने भी ये कहा है कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति अगर भारत में कोई है तो वह कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती था। स्वराज्य मतलब स्वयं का राज्य, स्वदेशी मतलब स्वयं का देश, ये सॉरी स्वदेशी का मतलब अपने देश में निर्मित वस्तुओं को क्या करो, अधिक से अधिक काम में लो। सौ भाषा मतलब अपने देश की जो भाषा है हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा के क्या रहो, उसका उपयोग करो, उसका पक्ष लो, उसका समर्थन करो। सौ धर्म मतलब अपना जो हिंदू धर्म है इस हिंदू धर्म के ऊपर फोकस करो, हिंदू धर्म की भलाई के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करो। ऐसी बात किसने कही थी? दयानंद सरस्वती ने कही थी। यह है अपने 400। देखो इन्होंने स्वराज्य के ऊपर एक पंक्ति भी कही है, बड़ी शानदार पंक्ति है, कई बार अपने एग्जाम में पूछी गई है। इन्होंने कहा कि स्वराज्य चाहे कैसा भी हो, बुरे से बुरा स्वराज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। ऐसी पंक्ति किसने कही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा कि अपना जो राज्य है, अपना देश है, वो कितना ही बेकार हो, कितना ही घटिया हो, कितना ही गंदा हो, और विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो, वह हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए इन्होंने किसके ऊपर बल दिया था? स्वराज्य के ऊपर बल दिया था कि बुरे से बुरा स्वराज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। इसी पंक्ति को घुमाकर अपने दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे कि अच्छे से अच्छा स्वराज्य बुरे से बुरे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने अपने स्वराज्य के ऊपर बल देते हुए एक पंक्ति और कही थी कि भारत किनके लिए? भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए ऐसा कहने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन थे? अपने स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्लियर है अपने राजनीतिक विचार। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। देखो धार्मिक विचारों में अपने सबसे पहली बात तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने किन के अध्ययन पर बल दिया? वेदों के अध्ययन पर बल दिया। और वेदों के अध्ययन पर बल देते हुए इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किसका किया था? मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। देखो मूर्ति पूजा का विरोध कैसे किया, इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है, दयानंद सरस्वती अपने पिता अंबा शंकर के साथ में शिवरात्रि का पर्व था, शिव जी के मंदिर में गए थे। वहां पर इन्होंने देखा कि शिव जी के जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था उस प्रसाद को कुछ चूहे खा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जब ये शिव जी की जो मूर्ति है ये अपने प्रसाद की रक्षा स्वयं इन चूहों से नहीं कर सकती, तो ये अपनी क्या रक्षा करेंगे। इस प्रकार की भावना इनके मन में आ गई और तभी से ये मूर्ति पूजा के क्या हो गए, विरोधी हो गए। इसके अलावा इन्होंने बहुदेववाद, इन्होंने अवतारवाद और इन्होंने पशु बलि का भी क्या किया था, विरोध किया था। और जो हिंदू धर्म से जो व्यक्ति अन्य धर्म में चले गए थे उन व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था जिसे अपने इतिहास में शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, शुद्धि आंदोलन किस समाज सुधारक ने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो है अपने शिक्षा के क्षेत्र में। देखो यहां से अपने
कंपटीशन एग्जाम देख लो, चाहे बोर्ड क्लास के एग्जाम देख लो, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो शिक्षा के क्षेत्र में अपने बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देखो ऐसा है 1800 शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। देखो 18 अक्टूबर 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद में 1892 ईस्वी में यही आर्य समाज जो है वो दो विचारधाराओं में बट गया। आर्य समाज जो है उसका विभाजन कितनी विचारधाराओं में हो गया, दो विचारधाराओं में हो गया। पहली विचारधारा जो थी वह वैदिक संस्कृति के साथ साथ में, किसके साथ में, वैदिक संस्कृति के साथ साथ में अंग्रेजी भाषा का भी क्या करती थी, समर्थन करती थी कि वेदों का भी अध्ययन करो लेकिन वेदों के साथ साथ में किसका अध्ययन करो, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी करो। इनमें जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। पहली विचारधारा तो ये हो गई। और इन्होंने 1802 ईस्वी में लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना की। किन्होंने, पहली विचारधारा के जो थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, इन्होंने 1886 ईस्वी में इन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की। और 1889 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। डीएवी का मतलब दयानंद एंग्लो स्कूल, दयानंद एंग्लो स्कूल और दयानंद एंग्लो कॉलेज। यह थी पहली विचारधारा। दूसरी विचारधारा थी, उस दूसरी विचारधारा के लोगों ने हिंदू धर्म के साथ साथ में हिंदी भाषा के ऊपर बल दिया। मतलब ये तो किसके ऊपर बल दे रहे हैं, अंग्रेजी भाषा के ऊपर, और दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं इन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ में हिंदी भाषा के ऊपर भी बल दिया, जिनमें प्रमुख व्यक्ति थे अपने लाला मुंशीराम और दूसरा व्यक्ति था लेखराम। देखो एक बात ध्यान रखना, इन लाला मुंशीराम को अपने इतिहास में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये अपने क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, स्वामी श्रद्धानंद ने कौन सी स्कूल की स्थापना की थी, तो अपने कंफ्यूज ना हो, इसलिए लाला मुंशीराम का ही दूसरा नाम क्या है, स्वामी श्रद्धानंद है। इन्होंने देखो 1902 ईस्वी में अपने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके अलावा देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने स्त्री शिक्षा के लिए भी पंजाब के जालंधर नामक स्थान पर कन्या पाठशाला की स्थापना की। इसके अलावा कई अन्य छोटे मोटे वैदिक संस्कृति का अध्ययन करने के लिए वैदिक स्कूलों की स्थापना भी की। तो ये थे भैया अपने स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी अक्टूबर 1883 ईस्वी में अपने अजमेर में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और एक बात और ध्यान रखना, इनकी मृत्यु जो है वो अपने दीपावली के दिन हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन से समाज सुधारक है जिनकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी, तो कौन से थे, अपने स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये हो गए अपने स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। ओके, दैट्स ऑल।